Hey guys, this is Chetan. Welcome to CHB Mania Presents The Chai with Chetan. दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमें छोड़कर चले गए हैं। वैसे इस बात पे यकीन करना तो मुश्किल है लेकिन हम सच से मुंह नहीं फेर सकते। और वैसे दोस्तों सुशांत की मौत की वजह जो अभी तक सामने आई है वो डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। कैसे है ना, आदमी के पास सब कुछ हो, मनचाही लाइफस्टाइल हो, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो सब निष्फल है। सुशांत के मौत के न्यूज से हम सब तो हिल गए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सुशांत की मौत की वजह बनी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन तो बहुत सारे लोगों के पास होता है और ये प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे भी होते हैं, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं या डॉक्टर को कंसर्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें लोग पागल कह दे। डिप्रेशन में होता क्या है? डिप्रेशन में हम हर चीज को निगेटिव वे में सोचना शुरू करते हैं। फिर ये निगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि आदमी को उसका जीवन निष्फल लगने लगता है। डिप्रेशन कोई भी एज में हो सकता है, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में, चाहे वो एग्जाम का हो या कोई रिलेशन का हो, कोई भी तनाव डिप्रेशन की वजह बन सकता है। और फिर धीरे धीरे तनाव की वजह से कॉर्टिसोलिन और एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। फिर ये तनाव डिप्रेशन का रूप बहुत जल्दी ले लेता है। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, लेकिन उसके लक्षण व्यक्ति के रहन सहन में दिख जाते हैं। जैसे डिप्रेशन से सफर करने वाले व्यक्ति के रहन सहन में काफी निगेटिविटी आ जाती है और फिर ये निगेटिविटी उनके जीवन पे इतना प्रभाव डाल देती है कि उन्हें उनकी लाइफ निष्फल लगने लगती है। इस बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति हमेशा ही परेशान रहता है। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता और ना ही उसे कोई खुशी का एहसास होता है। अगर इस तरह के लक्षण आपके कोई नजदीकी फैमिली मेंबर में भी दिखाई दे रहे तो जरूरत है कि उनसे बात करने की। जरूरत है हमारा साथ और हमारे प्यार की। हमारा साथ ही और प्यार ही है जो इस डिप्रेशन को काफी हद तक कम करने में उन्हें मदद कर सके। डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम पैदा ही होता है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। उसको शायद कुछ समय लग सकता है, लेकिन प्रॉब्लम से जूझना ही तो जिंदगी है। देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या आया था? विष, जहर। समुद्र मंथन क्या है? ये तो सेल्फ एनालिसिस है। जब भी हम सेल्फ एनालिसिस करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? हमारे अंदर की बुरी चीजें, हमारे साथ हुई हुई बुरी चीजें, बुरी घटनाएं सबसे पहले आ जाती है। मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ हमेशा ये क्यों होता है, मैं ही क्यों, ऐसे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। लेकिन इस निगेटिविटी को हमारे शरीर पे हावी नहीं होने देना। जैसे शिव जी ने समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ जहर अपने गले में ही रोक दिया, वैसे ही हमें निगेटिविटी को सही समय पे सही जगह रोक देना चाहिए ताकि वो हम पे हावी ना हो सके। एक कहानी है 35 साल की युवक की। 20 साल मेहनत करके जो कमाया था वो एक साल में एक ही पल में गंवाना पड़ा था। अपने साथ अपने पूरे फैमिली की जान खतरे में डाल के कॉम्पिटिटर के सामने जाके खड़ा होना पड़ा था। फिर कॉम्पिटिटर अगले 6 महीने तक घर से कई हजारों किलोमीटर दूर रखता है और साथ में उसे खत्म करने का प्लान भी करता है। इतना बड़ा धोखा, लॉस का टेंशन, जान का खतरा, फ्यूचर का टेंशन, कितना सारा डिप्रेशन था। फिर भी वो युवक सुसाइड नहीं करता, अपना मनोबल बढ़ा के पहले अपनी टीम को बचाता है, फिर कॉम्पिटिटर के हाथ से अपनी छुटका करता है और पेशेंस रखते हुए अपने घर भी पहुंच जाता है। और फिर 20 साल मेहनत करके जो कमाया था और एक ही साल में जो गंवाना पड़ा था वो अगले एक साल में फिर से कमाता है और इस बार कॉम्पिटिटर को अच्छा सबक भी सिखा देता है। फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है, बल्कि क्वांटम लीप में ढूंढा रहा वो तरुण कोई और नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और जो लॉस हुआ था वो कोई और नहीं पुरंदर का सुलह, जिसमें 90% किले महाराज ने औरंगजेब को दे दिए थे। इसे 4-5 कदम पीछे जाना कहने की भूल मत कीजिए। ये 20 साल पीछे जाना था, जो 20 साल में कमाया था वो एक साल में गंवाना पड़ा था। लेकिन वही उम्मीद, वही विश्वास, सब्र और शातिर दिमाग से महाराज ने अगले 8 सालों में मराठी एम्पायर में 360 किले बना दिए। क्वांटम लीप शेर की चाल जो कहते हैं वो इसे कहते हैं। निराश होकर कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले शिवस्मरण जरूर कीजिए। शिवाजी महाराज का आदर्श रखना आज समय की जरूरत है।